अरे प्रधानमंत्री, चुनाव के समय आकर ना आपकी आपदा की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की, ना महंगाई की, ना आपकी समस्याओं की, ना आपके पेंशन की, इनकी बातें नहीं होती हैं। सिर्फ धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगा जाता है और जो बातें होती हैं वे पूरी तरह से फिजूल की बातें। कभी कहेंगे कि आपकी अगर दो भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी एक भैंस चुरा लेगी, कभी कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र को घरों से निकालने के लिए एक एक्सरे मशीन लाई है कांग्रेस पार्टी। कैसी बातें हैं ये और कैसी राजनीति है कि जब जनता संकट में है तब आप आते नहीं है, जब चुनाव का समय होता है तो आप धर्म की बात करके वोट लेने का प्रयास करते हैं और पूरे समय आपका सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। सरकार चुनी गई यहां, आपने चुनी, किसी ने थोपी नहीं आप पे। एक चुनाव था, चुनाव में आपने निर्णय लिया कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, आपने सरकार चुनी। क्या होता है जैसे ही आपदा खत्म होती है, ये दूसरी घटना है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। एक और घटना घटती है आपदा के कुछ ही महीनों बाद, भाजपा का पूरा प्रयास, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबका प्रयास हो जाता है कि हम इस सरकार को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्या एक चुनाव करके गिरा रहे हैं? लोकतंत्र के तहत गिरा रहे हैं? नहीं, धन बल पे गिराएंगे। हम विधायकों को पैसा दे देकर, उन पर दबाव डाल डालकर उनको अलग कर देंगे इस पार्टी से और हम इस सरकार को गिराएंगे। किसी को 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 100 करोड़ दे रहे हैं, चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर बीच रात में कहीं ले जा रहे हैं चंडीगढ़, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पूरी फोर्स निकल आ रही है, केंद्रीय फोर्सेस आ रही है। किस चीज के लिए? विधायकों को छुपाकर कहीं ले जाने के लिए, और वो भी वो विधायक जिनको आपने पैसे खिलाए हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खुलेआम कर रहे हैं। मीडिया जो आज पूरी तरह से खरबपतियों ने खरीद रखी है, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि ये गलत हो रहा है। हमारी सरकार होती थी तो छोटी सी चीज हो जाती थी, पूरी मीडिया भड़क जाती थी। और अच्छा है, अच्छा है, जागरूक मीडिया, जागरूक जनता, लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। नेताओं को भी पटरी पे रखते हैं, नेताओं की भी फिर आदत खराब नहीं होती। नेता भी जानता है कि मैं जवाबदेह हूं, कुछ गड़बड़ करूंगा तो जनता पूछेगी, मीडिया पूछेगी। लेकिन आज ये परिस्थिति कि आप सरकार चुरा रहे हैं, आप घूस दे रहे हैं खुलेआम, आप लोकतंत्र का एकदम पूरी तरह से सफाया कर रहे हैं और मीडिया आपकी वाहवाही कर रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, और हम सब चुपचाप देखें, तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? फिर बार बार हम चुनाव क्यों करते? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।